जो लोग मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हो, आज सुबह मैंने एक स्टेटस डाला था कि इफ देयर इज अ चैनल इन इंडिया व्हिच इज गेटिंग लाइक 3 मिलियन व्यूज पर मंथ, इट जस्ट मेक्स समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज, एंड इफ देयर इज अ चैनल इन अमेरिका व्हिच इज गेटिंग लाइक 3 मिलियन व्यूज पर मंथ, इट्स मेकिंग क्लोज टू लाइक 15 to 18 lakhs रुपीज. दैट्स लाइक 1:18 रेशियो इन बिटवीन लाइक इंडिया वर्सेज अमेरिका. सो दैट्स ह्यूज. उसके बाद बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है इंडिया और यूएसए के बीच में यूट्यूब का जो रेवेन्यू जो है. तो ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखते जाओ, मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दे दूंगा कि इंडिया और यूएस में क्या क्या डिफरेंस है. एंड ये वीडियो के लास्ट में आपको यूएसए का एंड इंडिया का कुछ टॉप यूट्यूबर्स को भी हम ले लेंगे, उसके बाद उनका इनकम क्या है, यूट्यूब से उनको कितना पैसा मिलता है, अप्रोक्स रफ आइडिया में दे दूंगा. सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया एंड यूएस में डिफरेंस इतना क्यों है. देखो सबसे पहला जो डिफरेंस ये है क्योंकि इंडिया में जो एड का जो मतलब जो रहता है सोर्स, मतलब जो पब्लिशर्स रहते हैं, एडवर्टाइजर्स रहते हैं, वो सब जो रहते हैं, मतलब बेसिकली एडवर्टाइजर्स, वो उनका बजट उतना नहीं रहता है. मतलब उनका वो लोग जानते हैं कि इंडिया में अगर हम एक ऐड देते हैं तो मतलब 1000 से मे बी कोई एक खरीदेगा, बट यूएस में अगर वही सेम वाला ऐड आता है 1000 से मे बी 800 लोग भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यूएस में कन्वर्सन रेशियो वो जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है. एंड द बिग रीजन इज इंटरनेट का प्राइस. यूएसए में इंटरनेट का प्राइस जो है यूएसए में बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए इंटरनेट को लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं. एंड इंडिया मतलब इंटरनेट में सीरियस यूजर्स रहते हैं. इंडिया में जबकि इंटरनेट इतना ज़्यादा चीप है तो मतलब हर कोई इंटरनेट यूज़ करता है. तो अगर आप कोई बच्चे भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है एंड उसको क्रेडिट कार्ड का ऐड आता है या फिर एक कार का ऐड आता है या फिर बाइक का ऐड आता है, वो उसको खरीदने वाला नहीं है. सो बेसिकली इंडिया में अपना जो बजट रहता है एड बजट, वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है. बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत एक्चुअली कम रहता है एज़ कम्पेयर टू यूएस. तो यूएस में पकड़ लो एक ऐड अगर मतलब एडवर्टाइजर अगर पकड़ बोलता है कि अगर मतलब ये 1000 बार अगर ये ऐड किसी को दिखता है तो आई एम गोइंग टू पे लाइक $100, तो वही सेम टाइम में इंडिया में अगर कोई एडवर्टाइजर आता है बोलते हैं कि अगर 1000 बार ये ऐड किसी को दिखता है आई एम गोइंग टू पे यू माई बजट इज लाइक 100 रुपीज़. क्योंकि इंडिया में ये है कि कन्वर्सन जो रेशियो है बहुत ज़्यादा कम है. सो दैट इज़ द बिग रीज़न वाई एडवर्टाइज, क्योंकि यूट्यूब का देखो मेन जो स्ट्रक्चर है, एडवर्टाइजर्स पैसा देंगे, वहाँ से यूट्यूब कुछ कट रखेगा, उसके बाद वहाँ से कुछ कट होके वो यूट्यूबर को मिलेगा. सो अगर एडवर्टाइजर ही कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके पास वो यूट्यूबर को इतना पैसा मिलेगा ही कहाँ. जबकि यूएस में क्या होता है कि एडवर्टाइजर का बजट बहुत रहता है, तो वहाँ से यूट्यूब का कट भी परफेक्ट रहता है एंड उसके बाद वहाँ से यूट्यूबर को भी अच्छा खासा पैसा मिलता है. अभी और एक जो मेन रीज़न है, बहुत लोग ये भी क्वेश्चन पूछे थे, मेरे को कुछ मैसेज आया है सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे कि अगर हम इंडिया में हैं एंड ऐसा कुछ कंटेंट बनाते हैं कि वो यूएसए में कैटर होता है तब हमें इंडिया में पैसा जैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, ये अमेरिका के जैसा अच्छा पैसा मिलेगा. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसका तो मेन ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ कंटेंट बनाते हो जो कि मतलब टेलर्ड फिट फॉर अमेरिकन्स, टेलर्ड फिट फॉर यूएस और यूरोप में मतलब ऑडियंस के लिए, देन आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा. अगर आपका वही सेम वीडियो अगर इंडियन ऑडियंस देखता है, इंडियन ऑडियंस की तरफ है, तो फिर उसमें आपको बहुत ज़्यादा कम पैसा मिलेगा. मैं आपको छोटा वाला एग्जांपल देता हूँ. मैंने एक एमिरेट्स बिजनेस क्लास है इंग्लिश में मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वाला वीडियो हैज मेड क्लोज टू आई गेस 2 lakhs or 3 lakhs रुपीज़ फॉर मी, जस्ट वन वीडियो 500,000 व्यूज़ मेरे को आया, वही 2 से 2.5 लाख मेरे को वो एक वीडियो से आया. वही वैसे ही सेम वाला वीडियोस मेरे को अलग मतलब मेरा यही चैनल में मेरे और कुछ वीडियोस हुए 500,000 वही 300K 400K ऐसे कुछ हुए हैं, बाकी उसमें मेरे को आया होगा मे बी 10,000 या फिर 20,000 या फिर 30,000 ऐसे आया होगा. बाकी जबकि वो जो सेम वीडियो एमिनेट्स बिजनेस क्लास का जो वीडियो, वो वाला वीडियो यूरोप, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सब जगह बहुत देखा गया है. तो वहाँ से क्या होता है कि एड रेवेन्यू अच्छा आता है, वहाँ पर जो एड प्ले होता है उनसे वो जो कट रहता है यूट्यूब अच्छा खासा कट अपने को देता है. सो बेसिकली इफ यू आर ए न्यू यूट्यूबर प्लानिंग टू मेक ए न्यू यूट्यूब चैनल मे बी, एंड इफ यू आर गुड एट मेकिंग कंटेंट, आप ऐसा एक मस्त वाला प्लान कर सकते हो कि ऐसा आपको कंटेंट रहना चाहिए जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस को कैटर करेगा, ना कि ओनली इंडियन ऑडियंस को. क्योंकि देखो ये मतलब ये है कि मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो. इंडिया में ऑडियंस आपको बहुत मिल जाएंगे, मतलब बहुत देखने वाले रहते हैं, लोगों के पास बहुत टाइम है, लोगों के पास इंटरनेट बहुत चीप है, तो बहुत लोग आपको आईबॉल्स बहुत है, व्यूज बहुत आ जाएगा, बाकी पैसा उतना नहीं मिलेगा. जबकि यूएस एंड यूरोप में व्यूज आपको कम आएगा, बाकी पैसा आपको अच्छा मिलेगा. तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको व्यूज ज्यादा चाहिए या फिर आप जितना काम करें उसके लिए यू नीड टू गेट पेड मोर. सो वही रहता है कि जो भी कंटेंट आप प्लान करते हो आपको पूरा सीरियसली उसको प्लान करना है कि मैं कौन सा ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ. अगर मैं इंडियन ऑडियंस के लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो आपको ये मान के चलना है कि पैसा थोड़ा कम आएगा बाकी व्यूज़ अच्छा आएगा. अगर आप वही कंटेंट प्लान करते हो कि नहीं मैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए ये वाला कंटेंट बना रहा हूँ, तो फिर इसमें पैसा अच्छा आएगा बाकी व्यूज़ कम आएगा. तो एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गेट पेड मोर फॉर ऑल द टाइम यू हैव इन्वेस्टेड फॉर मेकिंग ए वीडियो. सो वही है मेन वाला जो चीज़ की डिफरेंस कि इंडिया में क्यों कम पैसा आता है, यूएस में क्यों इतना अच्छा पैसा मिलता है यूट्यूबर्स को. एंड और एक चीज़ भी आप लोगों ने
बार क्या हो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो रहते हैं इंटरनेशनल यूट्यूबर्स, उनके चैनल पे उतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं रहते हैं। बाकी इंडियन यूट्यूबर्स का मतलब खराब से खराब चैनल, खराब से खराब वीडियो भी 1 मिलियन व्यूज़, 500K व्यूज़, 300K व्यूज़, मतलब वाहियात से वाहियात वीडियो भी गेटिंग ए लॉट ऑफ व्यूज़। बट द सेम टाइम मतलब अमेरिकन यूट्यूबर्स, यूरोपियन यूट्यूबर्स को उनका चैनल बहुत बड़ा नहीं रहता है, उनके पास व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं रहता है, बट दे आर गेटिंग वेल पेड, मतलब उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है यूट्यूब से। क्योंकि ये द रीज़न इज इंडिया के जो ऑडियंस है उसमें ज़्यादा कन्वर्सन रेशियो है नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट का बजट उतना रहता नहीं है। जबकि फॉरन में क्या रहता है कि एडवर्टाइजर्स का बजट रहता है तो फिर यूट्यूब को अच्छा खासा कट मिलता है एंड यूट्यूबर्स को अच्छा खासा पैसा मिलता है। दिस इज द बिग रीज़न वाई इंडियन यूट्यूबर्स गेट पेड लेस एंड एट द सेम टाइम अमेरिकन यूट्यूबर्स और यूरोपियन यूट्यूबर्स गेटिंग मच लेस व्यूज गेट पेड मोर। सो ये वाला पार्ट था बेसिकली टू एक्सप्लेन लाइक व्हाई इंडियन यूट्यूबर्स गेट पेड लेस एंड व्हाई अमेरिकन यूट्यूबर्स गेट पेड मोर। अभी हम कुछ हैंड पिक करते हैं इंडियन यूट्यूबर्स को, कुछ हैंड पिक करते हैं, नॉट मोर देन 6 एंड अमेरिकन यूट्यूबर्स नॉट मोर देन 6 हैंड पिक करते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ वो अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा कमाते हैं। एंड वन मोर थिंग टू नोट, यूट्यूबर्स ओनली ये जो अपना गूगल का जो एड रेवेन्यू उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, उसके बाद भी उनको बहुत सारा मतलब इनकम स्ट्रीम रहता है, लाइक स्पॉन्सरशिप हो गया, ब्रांड डील्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, एफिलिएट्स हो गया, वो सब का मैं पैसा मतलब काउंट नहीं करूँ क्योंकि वो आपका उसका जो मतलब कैलकुलेशन आपको मिलेगा नहीं। बाकी मैं ओनली व्यूज़ के बेस्ड में आपको एग्जैक्टली मतलब रफली आपको बता सकता हूँ कि उनको एग्जैक्टली कितना पैसा मिलता। तो हम अभी हैंड पिक करते हैं इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स एंड अमेरिकन कुछ यूट्यूबर्स, हैंड पिक करके मैं आपको पूरे डिटेल्स में बता देता हूँ वो अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा ओनली एड रेवेन्यू से कमाते हैं। ओके, सो पहले लेते हैं हम इंडियंस को ही लेते हैं, इंडियन यूट्यूबर्स कुछ, तो मैं कुछ 6 लोगों को ही लिया हूँ। फर्स्ट पकड़ लेते हैं अपना टेक्निकल गुरुजी पकड़ लो। सो वो एवरेज मतलब उनको मंथली व्यूज आता है कुछ 78 मिलियन व्यूज, सो मे बी ही इज मेकिंग क्लोज टू 25 lakhs of rupees per month. And pakad lo Flying Beast channel, he's getting somewhere around 100 million views per month, so making somewhere around 30 lakhs rupees per month. And then Ashish Chanchlani Vines is, let's say it's getting like 125 million views per month and making close to like 40 lakhs of rupees per month. Then Bhuvan Bam is getting close to like 75 million views per month and maybe making close to like 25 lakhs per month. And then Amit Vadana getting like 50 million views per month and maybe making somewhere around 20 lakhs rupees per month. And then Mumbai ka Nikhil getting like 30 million views per month, maybe getting paid somewhere around a bit more than 10 lakhs rupees per month. Then हम USA का पकड़ लेते हैं, MKBHD getting same like 50 million views, जबकि 50 million views हमें इंडिया में close to making like 20 lakhs of rupees. At the same time, MKBHD who gets like 50 million views per month in USA gets like 60 lakhs of rupees, 60 to 70 lakhs of rupees per month. Casey Neistat getting like 40 million views, making like 50 lakhs of rupees per month. Mr. Beast, 350 million views per month. सोच लो कितना पैसा भाई साहब बना रहे हैं. Close to like 4.5 crores of rupees per month. Then Peter McKinnon getting like 7 million views per month, getting paid somewhere close to 8 lakhs per month. PewDiePie, 200 million views per month, getting like 2 crores of rupees per month, even if he's not uploading a single video. Then Logan Paul vlogs getting like 50 million views per month, getting like 60 lakhs of rupees per month. So, आपको यहाँ से idea आ गया होगा कि इंडिया में कितना अप्रोक्सीमेट पैसा बनाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स एंड यूएस में बड़े बड़े यूट्यूबर्स अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा बनाते हैं। एंड जो प्राय मतलब जो डिफरेंस आपने देखा होगा, 50 मिलियन व्यूज अगर आप इंडिया में मिलता है आपको 50 मिलियन व्यूज, द यूट्यूबर इज गोइंग टू मेक लाइक 20 लाख ऑफ रुपीज पर मंथ। एट द सेम टाइम अगर मतलब यूएसए में आपको 50 मिलियन व्यूज आता है, द यूट्यूबर इज गोइंग टू मेक क्लोज टू 60 टू 70 मिलियन, मतलब 3 to 4 times रहता है इंडिया एंड यूएसए का जो डिफरेंस रहता है, इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है। एंड वो भी है, ये जो है मैं ओनली रफली आपको बता रहा हूँ कि इतना पैसा उनको मिलता होगा, इससे उनको ज्यादा भी मिल सकता है, इससे उनके कम भी मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द नीश। क्योंकि ये जो रहता है कि ये सब मतलब बेस्ड ऑन द मतलब रफ कैलकुलेशन है, अगर कोई एक स्पेसिफिक नीश है लाइक क्रेडिट कार्ड्स, फिनेंस, ये सब टॉपिक के ऊपर द यूट्यूबर एक्चुअली गेट्स ए लॉट मोर। लाइक यूएसए में अगर 3 मिलियन व्यूज पे नॉर्मल वाला चैनल है, मे बी ही इज गोइंग टू मेक क्लोज टू लाइक 5 या 6 lakhs, बट अगर फिनेंस वाला चैनल है मे बी ही कैन मेक इवन अप टू लाइक 10 or 15 lakhs। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीश, कंटेंट एंड बहुत सारा फैक्टर्स एक्चुअली है। ये वाला वीडियो में आपको ओनली एक रफ वाला आइडिया देने वाला था कि एग्जैक्टली कैसे क्या मतलब यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है, पैसे लोगों को कितना मिलता है, एंड कैसे क्या डिसाइड होता है कि इंडियन यूट्यूबर्स को कितना पैसा मिलेगा एंड अमेरिकन यूट्यूबर्स को कितना पैसा मिलेगा। अगर आपको फिर भी कुछ भी क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर मैंने आपका कोई एक फेवरेट यूट्यूबर छोड़ दिया है, नीचे मेरे को पूछ सकते हो। आई
आई कैन जस्ट गो अहेड एंड गिव यू द फिगर्स, एंड ये जो फिगर्स है इट्स ऑलमोस्ट लाइक 90% करेक्ट, मे बी 10% इधर उधर हो सकता है, बट 90% इज परफेक्टली करेक्ट अबाउट द अमाउंट दे आर मेकिंग पर मंथ फ्रॉम यूट्यूब. चलो, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू व्लॉग. बाय-बाय.